नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पापड़ की बिल्कुल आसान रेसिपी, जिन्हें बिल्कुल भी पापड़ बनाना नहीं आता है वो भी इस वीडियो को देखने के बाद झटपट से पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ली हूँ 1 कटोरी मैदा, और मैदे से ही आज बनेगा हमारा पापड़। नहीं होगा या मैदा नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसे पकाने का तरीका और बनाने का तरीका इतना अच्छा है जो कि बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं रहेगा और खाने में काफ़ी टेस्टी बनता है। आप यहाँ पर 100 ग्राम मैदा से ही ढेर सारा पापड़ बना के तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी छोटा वाले कटोरी से मैं मैदा ली हूँ। अब इसे किसी भी बड़े बर्तन में डाल लेना है। बर्तन में डालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए अच्छे से घोलना है, जिससे कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। तो धीरे धीरे करके आप घोलेंगे तो इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाइएगा, तभी अगला वीडियो जब मैं डालूँगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के पहले शुरू में अच्छे से घोल लेना है, उसके बाद इसमें और भी बाकी का पानी जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोई भी गुठली गांठ नहीं है। मैदे को जब आप इस तरीके से घोलेंगे पानी के साथ, तो इसे कम से कम 5 मिनट तक रेस्ट करने के लिए ज़रूर छोड़िएगा, उसके बाद ही इसका पापड़ बनाइएगा। तो अभी इसमें और पानी डाल देती हूँ, यानी जिस भी कप या कटोरी से आप मैदा का नाप करेंगे उसी कप या कटोरी से आपको इसमें 7 गुना पानी डालना है। जैसे इस कटोरी से मैं 1 कटोरी मैदा डाली हूँ, तो इसी कटोरी से 7 बार पानी मैदे के साथ जाएगा, क्योंकि मैदा जैसे पकना शुरू होता है फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी ये गाढ़ा हो जाता है। तो कच्चा रह जाएगा मैदा तो आपका पापड़ टूट जाएगा। तो अभी इसमें डाल दी हूँ स्वाद के अनुसार नमक। पापड़ जब भी आप बनाएं तो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा लगता होगा बैटर, तो इस हिसाब से आप नमक ना डाल दें, नमक थोड़ा कम ही डालिएगा। ज़्यादा नमक होने से पापड़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी घोलने के बाद इसे चढ़ा दी हूँ चूल्हे पर, और लगातार चलाते हुए इसे पकाना है, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। जैसे आप छोड़ देंगे बर्तन में जाके अंदर चिपक जाएगा और आपके पापड़ में जला जला सा टेस्ट आ जाएगा, और काफ़ी टेस्टी पापड़ लगता है ये खाने में। अजीब सा टेस्ट इसका लगेगा, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अभी मैं इसे लगातार चलाते हुए पकाती हूँ। शुरू में आप थोड़ा सा गैस के आँच को तेज़ कर सकते हैं, जिससे ये गर्म हो जाए। जैसे ये गर्म हो जाएगा, आँच को एकदम कम कर दीजिएगा, आराम से पकने दीजिएगा, जिससे कि ये बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। और पूरा बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा भी नहीं करना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको पापड़ बनाने का मन है तो वीडियो अच्छे से देख के फिर आप बनाइएगा। इसे पकते हुए बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा मैदा जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जैसे ही ये गर्म होता है ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, आप देख पा रहे हैं। इसी से इसमें पानी का मात्रा कम नहीं डालना है, और इस तरीके से लगातार चलाते हुए अच्छे से इसे पकाना है। एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से इसे पकाइए और लगातार चलाते रहिए, जैसे इसमें कोई भी गुठली ना पड़े, ना ही ये जले। तो अभी इसमें और भी मसाला ऐड होगा, तो फ्रेंड्स कब मसाला डालना है और क्या डालना है वो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके का वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो देखिए, इस तरीके से कलछी पर जब आप देखेंगे पीछे से, तो बहुत अच्छा सा लेयर लग जाता है कलछी पर, यानी आप समझिए कि ये बैटर आपका पक के तैयार हो चुका है पापड़ बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं कीजिएगा, जैसे जैसे यह ठंडा होगा और भी ये गाढ़ा होके और जम जाता है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, पक चुका है हमारा बैटर, तो अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ। गैस को बंद करने के बाद इसे उतार लेती हूँ चूल्हे से नीचे, और उतारने के 2 मिनट के बाद इसमें मसाला डालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं उतार ली हूँ मैदे के बैटर को, और थोड़ा सा 2 मिनट के बाद इसमें मसाला डालूंगी। इससे क्या होगा, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और बहुत अच्छा सफ़ेद सफ़ेद सा आपका मैदे का पापड़ बनके तैयार होगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा। ऐसे जीरा साथ में पका देने से हल्का पीला पीला सा हो जाता है। ऐसे आपको पसंद है इसमें हल्का कलर डालना तो आप जीरा को पहले भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देती हूँ चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा कलौंजी। इसे देखने में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वाइट वाइट पापड़ है तो उसमें रेड चिल्ली लाल और कलौंजी ब्लैक बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो थोड़ा थोड़ा सा ज़रूर इसमें डालिए। आप चाहें तो इसमें तिल भी डाल सकते हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। जब ये थोड़ा हल्का ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसका पापड़ बनाना है। तो फ्रेंड्स, आप नए हैं हमारे चैनल पर, और भी पापड़ का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारे पापड़ की रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें बहुत तरह की पापड़ की वीडियो है। तो आप नए हैं तो एक बार ज़रूर देखिए, आपको जहाँ भी जो पापड़ अच्छा लगे ज़रूर बनाइए। और कहीं भी कोई दिक्कत हो या ना समझ में आए तो हमसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत ही जवाब दूंगी यदि आपके क्वेश्चन को देख लूँगी तो। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ये ठंडा हुआ, हल्का सा भी गर्म ही है, बहुत ज़्यादा ठंडा करके नहीं बनाना है इसे। बहुत ज़्यादा ठंडा कर दीजिएगा तो पापड़ में आप शेप नहीं दे पाइएगा। पॉलीथीन में हल्का सा तेल लगा के, रिफाइंड तेल लगाना है, सरसों का नहीं लगाना, और अच्छे से ग्रीस कर देना है। और इसमें छोटा छोटा सा आपको पापड़ बना लेना है। थोड़ा सा आप बैटर को डालिए और हल्का सा फैलाइए। बहुत ज़्यादा फैला के, एकदम पतला नहीं करना, बस हल्का सा फैला के इसे शेप दे देना है हल्का सा। और इसी तरीके से सारे पापड़ को बना के धूप में डाल दीजिए सूखने के लिए। आपके यहाँ धूप है तो आप धूप में सुखाए, नहीं है धूप तो कोई बात नहीं है, आप पंखे की हवा में इसे सुखा सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन सूख के पापड़ ज़रूर तैयार हो जाएगा। पंखे की हवा में जब आप सुखा रहे हैं फ्रेंड, तो जब आप इसे लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो थोड़ा धूप ज़रूर दिखाइएगा। इससे क्या होगा, आपका पापड़ ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो चलिए सारे पापड़ को बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारे पापड़ को बना के तैयार कर ली हूँ और इतना ही मैदा में ढेर सारा पापड़ बन के तैयार होता है। तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। और इसमें कोई भी मेहनत नहीं है, मात्र 10 मिनट के मेहनत में ही आप ढेर सारा पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सुखा के पापड़ को फिर आपको दिखाऊँगी सूखने के बाद ये कैसा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सूखने के बाद पापड़ एकदम छोटा छोटा सा हो गया, एकदम वाइट वाइट सा लग रहा होगा, आप देख पा रहे हैं, बहुत ही पतला पतला सा हो जाता है। तो पापड़ को आप अच्छे से फैला के इसे अच्छे से धूप में एकदम कड़ा करके सुखा लीजिए। उसके बाद डब्बे में बंद करके रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, जब चाहें इसे फ्राई करके खाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, 1-2 पापड़ को फ्राई भी करके आपको दिखाती हूँ कि पापड़ फ्राई करने के बाद इसका साइज बढ़ता है या इतना ही रहता है। तेल यहाँ पर हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें डाल देना है पापड़ को। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर भी आप देख पा रहे हैं और साइज़ भी आप देख पा रहे हो, बहुत अच्छा फूलता है, बहुत हल्का बनता है पापड़, बिल्कुल भी कड़ा नहीं रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पापड़ फ्राई होने के बाद कुछ इस तरीके का बना है और देखिए कितना क्रिस्पी है, देखिए बहुत ही अच्छा बना है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।